नई दिल्ली से आने वाली वाराणसी कटिहार के रास्ते डिब्रूगढ़ को जाने वाली गाड़ी संख्या 20506 राजधानी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से एक घंटे की देरी से चल रही है। कृपया ध्यान दीजिए, मथुरा कानपुर सेंट्रल के रास्ते अहमदाबाद से आने वाली गोंडा जंक्शन झांसी रेलवे स्टेशन, आप मुझे VJLG स्टेशन भी कह सकते हैं। दोस्तों, 18वीं सदी में मेरा निर्माण हुआ। यह वो जमाना था जब भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य था। यह वह सदी थी जिसे वैज्ञानिकों का स्वर्णिम युग कहा जाता था। दोस्तों, आज मेरे पास जो कुछ भी चीज़ें हैं उनमें से अधिकांश का आविष्कार उसी युग में हुआ था। अंग्रेजों का भारत छोड़कर गए हुए भी तो वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी मेरा मरम्मत का काम उसी पुराने तौर तरीके और तकनीक से किया जाता है। दोस्तों, यहाँ से आपको मिलेंगी दिल्ली, मुंबई, आगरा, कानपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, चेन्नई, देश के लगभग हर बड़े शहरों के लिए यहाँ से आपको सीधी ट्रेनें मिलेंगी। लेकिन अब सवाल यह है कि आपको कहाँ जाना है। कहीं जाने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है, और जब ऐसा करना हो तो यात्री बनना पड़ता है। तो चलिए मेरे साथ यात्री बनके झांसी रेलवे स्टेशन को घूमते हैं, और यहाँ उपस्थित बीते हुए एक यात्री के तौर पर हर समय का रेलवे स्टेशन से लेकर प्लेटफॉर्म तक और ट्रेनों तक का सभी अनुभव आपके साथ साझा करते हैं। झांसी स्टेशन पर स्थित पिपलेश्वर महादेव का मंदिर, जहां यात्रियों के शीश नवाने से यात्रा मंगलमय होती है। कुलियों का यात्रियों की प्रतीक्षा में इंतजार करना कि कब कोई यात्री अधिक सामान लेकर आए और उनका सामान लेकर वो जाएं। वो जनरल टिकट लेने के लिए लंबी लाइन में लगना, वो कड़कती सर्दी में स्टेशन के किसी भी कोने में बैठकर ट्रेन की प्रतीक्षा में समय व्यतीत करना, वो सफाई कर्मचारियों का कड़कती ठंड में ट्रेन के एसी डिब्बों की खिड़की साफ करना, सफाई कर्मचारियों का दिन रात प्लेटफॉर्म को साफ करना, वो स्लीपर क्लास में खिड़की वाली सीट मिलने की खुशी, वो एक मिनट लेट होने पर ट्रेन का मुझे प्लेटफॉर्म पर छोड़ जाने का दो, वो कहीं दूर स्टेशन से यात्रा करके आने पर अपना झांसी स्टेशन का नाम लिखा दिखने का सुकून, वो केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों का अपना घर छोड़कर संपूर्ण जीवन देश की सुरक्षा में देना, ट्रेन ड्राइवर का हजारों यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाना, वो किसी गार्ड का ट्रेन को झंडी दिखाकर ट्रेन का उस स्टेशन से अलविदा कहना, वो टीसियों का प्लेटफॉर्म पर तैनात रहना ताकि कोई भी बिना टिकट यात्री को पकड़कर उस पर कार्रवाई की जाए, वो प्लेटफॉर्म पर आने पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए अपना सारा सामान एक्सीलेटर पर रख कर जाने का सुकून, वो लंबी यात्रा करके आने पर किसी बड़े जंक्शन पर प्यासा होने पर ठंडा पानी मिलने का सुकून। झांसी स्टेशन पर बनी ये डॉक्यूमेंट्री एक यात्री के तौर पर आपको कैसी लगी है, आप मुझे कमेंट में बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर यह अनुभव आप दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट में कुछ ऐसा लिख दीजिए जिसको पढ़ने के बाद मैं फिर से कुछ नया रचने में जुट जाऊं और कोशिश कर सकूं कि आपको कुछ नया दिखा सकूं। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से आप अपना अनुभव मुझे बता सकते हैं। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय झांसी, ब्लॉगर। इसी के साथ दोस्तों, लेता हूं आपसे विदा, मिलता हूं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर। Thank you.
Thank you.